नमस्कार दोस्तों, द जॉब एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड कंपनी के जॉब वैकेंसी के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी निकाली गई है आईटीआई डिप्लोमा ग्रेजुएशन पीजी और फोरमैन के लिए जो है इसमें वैकेंसी निकाली गई है। तो अभी बहुत ही अच्छा मौका है, जो कैंडिडेट आईटीआई डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या पीजी या इंजीनियरिंग किए हैं वो सभी कैंडिडेट जो है इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं। और डिपार्टमेंट जो है इसमें पीएनडम क्यूए क्यूसी इरेक्शन प्रीकास्ट और भी सारा जो है इसमें डिपार्टमेंट रखा गया है, और इसके लिए जो है ऑल स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने वाला हूँ, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, कितने ईयर्स तक का एक्सपीरियंस मांगे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बगल में बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं नोटिफिकेशन पे। तो ये जो एलएनटी का जो वैकेंसी निकाली गई है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए जो है ये वैकेंसी निकाली गई है, और वालकिन जो ड्राइव रहने वाला है मुंबई में रहने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल्स में दिया गया है, वी आर हैवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस वर्टिकल ऑफ एलएनटी कंस्ट्रक्शन एंड वी आर सेकिंग द बेस्ट टैलेंटेड आवर वेरियस प्रोजेक्ट टू बिल्ड हाई स्पीड रेल। ये जो प्रोजेक्ट्स रखा गया है ये सभी प्रोजेक्ट्स के लिए जो है इसमें वैकेंसी निकाली गई है, बुलेट ट्रेन मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स एलेवेंट अंडरग्राउंड हाइडल डैम्स वेरस ब्रिजेस टनल टीबीएम एनएटीएम एंड ये सभी प्रोजेक्ट्स के लिए जो है इसमें वैकेंसी निकाली गई है। और एजुकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, एजुकेशन जो मांगे हैं इंजीनियर्स एक्सक्यूटिव पीजी ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फोरमैन, और आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए भी जो है वैकेंसी निकाली गई है। और आईटीआई में और जितना भी सारा इसमें एजुकेशन मांगे हैं सभी में जो है 60% मार्क्स होना आपका अनिवार्य है और कोई भी बैक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं सभी वैकेंसी के लिए जो है पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो है फंक्शन दिया हुआ है और जॉब आईडी यहाँ पे दिया गया है और मेल आईडी फॉर अप्लीकेशन। आपको जिस ईमेल आईडी पे जिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना है वो यहाँ पे जो है ईमेल आईडी दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं किसके किसके लिए जो है यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। फंक्शन जो रखा गया है सिविल एक्सक्यूशन इरेक्शन प्रीकास्ट प्लांट एंड मशीनरी ईएचएस फॉर्मवर्क क्यूए क्यूसी टनल कंस्ट्रक्शन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग आईआर एडमिन प्लानिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो है ये सभी के लिए जो है इसमें वैकेंसी निकाली गई है। और जॉब आईडी टू मेंशन इन सब्जेक्ट लाइन, आप जो है जब अप्लाई करेंगे ईमेल आईडी से और उसमें जो है सब्जेक्ट में आपको जॉब आईडी मेंशन करना होगा कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे सब के लिए जो है अलग अलग ईमेल आईडी रखा गया है। अगर आप सिविल एक्सक्यूशन है तो आपको जो है ये जॉब आईडी मेंशन करना होगा सब्जेक्ट में एससीआई एक्सक्यूशन, और इस ईमेल आईडी पे जो है आपको अप्लाई करना होगा। ऐसे ही अगर आप इरेक्शन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको जो है एचसीआई इरेक्शन लिख के सब्जेक्ट में आपको जो है अप्लाई करना होगा, और आपका जो है ये ईमेल आईडी रहेगा। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जो है अलग अलग ईमेल आईडी प्रोवाइड कराया गया है, जैसे कि यहाँ पे पेंडम के लिए प्लांट एंड मशीनरी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आपको सब्जेक्ट में लिखना होगा एचसीआई पी एंड एम, और आपको जो है इससे सुवधा मिश्रा @LNTECC पे जो है आपको अप्लाई करना होगा। तो ये जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग जो है यहाँ पे ईमेल आईडी और जॉब आईडी जो है आपको सब्जेक्ट में मेंशन करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि आपके पास कितने इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ यू पोजेस 5 to 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द फंक्शन मेंशन अबव इन मेट्रो रेल ब्रिज हाइडल टनल मरीना प्रोजेक्ट्स सेंड अस योर सीवी बाय मेंशनिंग जॉब आईडी, जैसे कि बताया आपको जॉब आईडी मेंशन करना होगा एंड प्लेस ऑफ इंटरव्यू इन द सब्जेक्ट टू द अबव ईमेल आईडीज ऑन और बिफोर 24 सितंबर तक जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस मांग गया यहाँ पे देख सकते हैं 5 से 15 ईयर्स तक का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कम से कम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और ब्रिज हाइडल टनल्स और मरीना प्रोजेक्ट्स के लिए जो है यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। और शॉर्ट लिस्टेड जो यहाँ पे लिस्ट जारी किया जाएगा आपको मेल कर दिया जाएगा अगर आपका सीवी सिलेक्ट होता है, तो 24 और 25 और 26 सितंबर को जो है
आपका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा अगर CV, तो आपको जो है कंपनी आपको मेल कर देगी और आपका जो है आपका वेन्यू सिलेक्ट किया जाएगा, आपको मेल पे दिया जाएगा एड्रेस कि आपका इंटरव्यू कहाँ रहेगा। अगर आप जाके इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो है इस कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा और आप जो है L&T में इस तरह से जो है जॉब आप पा सकते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया जो है इसमें मांगा गया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।